हार्दिक पांड्या की ढीली कप्तानी, केकेआर के स्पिनर्स का कहर, मुंबई इंडियंस ने ऐसे किया वानखेड़े में सरेंडर, 5 पॉइंट्स में समझे पूरी कहानी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 में 3 मई को हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रनों से शिकस्त दी। लेकिन इस मैच की हाइलाइट्स नतीजे से ज्यादा हार्दिक पांड्या की ढीली कप्तानी और केकेआर के गेंदबाजों का कमाल का प्रदर्शन रहा। एक समय मुंबई ने कोलकाता की हालत खराब कर दी थी, लेकिन पांड्या एक बार फिर इस आईपीएल के सबसे लचर कप्तान साबित हुए। इस मैच को जीतकर केकेआर ने वानखेड़े स्टेडियम में 12 साल से जीत के सूखे को खत्म किया। केकेआर ने वानखेड़े स्टेडियम में 12 साल बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल की। इससे पहले 2012 आईपीएल में केकेआर को मुंबई के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में जीत मिली थी, तब उसने मेजबान टीम को 32 रनों से हराया। आईपीएल के इस कोलकाता की 10 मैचों में 7वीं जीत रही। कोलकाता की टीम पॉइंट टेबल पे 2 नंबर पर है। वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की 11 मैचों में ये 8वीं हार रही, वो 9वें नंबर पर है। मुंबई प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर है। अब आपको 5 पॉइंट्स में समझाते हैं कि कैसे मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत सकती थी, कहां उससे चूक हो गई। मुंबई की टीम ने इस मैच में टॉस जीता और कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए उतारा। एक समय हार्दिक का निर्णय सही भी लगा जब कोलकाता नाइट राइडर्स के 57 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन इस स्कोर के बाद हार्दिक ने केकेआर के बल्लेबाजों की पार्टनरशिप बनी। नतीजतन केकेआर ने 169 रन बना डाले। वेंकटेश अय्यर 70 और इंपैक्ट प्लेयर मनीष पांड्या 42 इसमें अहम रहे। हार्दिक ने इस मैच में एक बार फिर साबित किया है कि वो प्रेशर को बनाने के बावजूद मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह की हालत मुंबई के गेंदबाजों ने की उसके बावजूद इसका ये फायदा नहीं उठा सके। बुमराह को वो केकेआर के 5 विकेट गिरने के बाद 1 ओवर के लिए ला सकते थे, फिर मनीष पांड्या और वेंकटेश अय्यर ने पार्टनरशिप खड़ी कर दी। वो बुमराह को 14वें ओवर में लेकर आए, तब तक मनीष और अय्यर लय में आ चुके थे। इस मैच में एक बार फिर मुंबई का टॉप ऑर्डर फेल रहा। रोहित शर्मा 11 तो ईशान किशन 13 रनों पर चलते बने। यहीं से मुंबई पर ब्रेक लग गया। इसका असर मिडिल ऑर्डर पर भी दिखा और एक समय मुंबई की टीम के 6 विकेट 71 रन पर धड़ाम हो गए। इस मुकाबले में केकेआर के स्पिनर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में एक्स फैक्टर साबित हुए। दोनों ने मिडिल ओवर्स में मुंबई के बल्लेबाजों पर ब्रेक लगा दिया। सुनील नरेन और वरुण दोनों ने ही कुल 8 ओवर्स करवाए और महज 44 रन देकर 4 विकेट झटके, जो मुंबई के रन चेज में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तो मुंबई इंडियंस की इस शर्मनाक हार के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।